सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और भाई आज जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हमारा कॉलेज वाली वेब सीरीज़ का पहला डे है शूट का। और आज मतलब आज से ना भाई रेगुलर काम करेंगे हम बढ़िया तरीके से, कहीं भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सिर्फ मेन फोकस रहेगा अपनी वेब सीरीज़ पे एंड व्लॉग्स पे। तो अभी जो है मैं पेमेंट जमा कराने जा रहा हूँ बैंक में, क्योंकि 2000 का नोट बंद हो गया और भाई थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए जमा करा देते हैं। अभी जा रहा हूँ जमा कराने के लिए। और मौसम जो है आज का ठीक ठाक ही है, बस धूप निकली हुई आज तो, रात को तो बारिश हुई थी अच्छी खासी। एंड इधर रखे हुए हैं कार्ड भाई, क्योंकि कार्ड भी देना है बैंक वाले भैया को, जागरण हो रहा है 29 मई को, मेरा भी का बर्थडे है ना, तो उसका जागरण हो रहा है, इसलिए कार्ड वगैरह सब लेके जा रहा हूँ। बाल अभी थोड़े से गीले ही हैं इसलिए सेट नहीं हुए सही से। ये गाड़ी भाई मैं इसको भिखारी बना के छोड़ेगी कसम से बता रहा हूँ। 5-5 का एवरेज आ रहा है, देख रहे हो भाई 5 का एवरेज है, सिर्फ 6 का, 5 का, 7 का, 8 का, सिटी में इसका सिर्फ इतना ही एवरेज आ रहा है। भाई जो इंसान इस गाड़ी का एवरेज झेल सकता है ना, वो इंसान भाई सारी गाड़ियों का एवरेज झेल सकता है। भाई पोर्श जो बेंटली वगैरह है, पोर्श का एवरेज भी भाई 10 के आसपास आता है, 8-10 के आसपास, इसका भी इतना ही आ रहा है भाई। तो भाई कोई भी गाड़ी झेल सकता है जो इससे झेल सकता है। तो भाई पैसे तो मैंने जमा करा दिए और कार्ड भी दे दिया जो जागरण का था। अब वापस घर जाता हूँ भाई, खाना खाऊंगा क्योंकि सुबह से खाना भी कुछ नहीं खाया मैं, बस ऐसे अभी उठा था बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और सीधा सबसे पहले बैंक का काम करना कंप्लीट किया क्योंकि बहुत दिनों से डिले था। तो भाई अभी जो है मैं जा रहा हूँ हर्ष के पास, क्योंकि मेरे को ना वहाँ की लोकेशन आने के बाद अच्छे से गो थ्रू करनी है कि किस तरीके से शूट लेना है और किस तरीके से करनी है। वैसे तो बहुत बार जाना होता रहता है, बट फिर भी एक बार देख के ना थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है मेरे को कि किस तरीके से हमें अपने शॉट्स लेने हैं और क्या क्या हम क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं। तो सारा आज डिसाइड करना है, कल उसका प्रैक्टिकल है, कल प्रैक्टिकल जैसे ही उसका कंप्लीट होगा भाई शूट स्टार्ट कर दूंगा मैं। ब्रो प्लीज शो मी योर फेस, अच्छे से दिखा भाई, अच्छे से देख लो यार भाई, वाईवाई के टाइम पे ऐसे होता है मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। कल तेरे ऊपर ही बनाऊंगा पूरी इच्छा है, अंकल बना ले तेरा ही राज है भाई। तो यार प्लान तो सारा हो गया अपना जो कल शूट होगा, बट यार पता नहीं क्यों यार एक हल्का सा ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है यार कुछ भी करने में, मतलब एक ऐसा मूड हो रहा है यार, बिहेवियर मतलब मेरा ऐसा हो रहा है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा, मतलब जिसे कहते हैं ना यार बहुत ज़्यादा लो सा फील हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता चल रहा यार, लेकिन यार हो रहा है, या तो यह है कि भाई ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब लगता है यार सीरियसली बताऊँ एज अ सोशल मीडिया, बस यह है कि मैं घूमता फिरता तो हूँ लेकिन इन्जॉयमेंट नहीं है यार, घूमना फिरना भी बस यह है कि पीस के लिए घूमता हूँ मैं, घूमने फिरने से मेरे को आराम मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिलता है, बट यार इन्जॉयमेंट उसे नहीं कहते यार, इन्जॉयमेंट होती है देखो एक स्टूडेंट लाइफ, एक प्रॉपर ये जो मेरी एज है इस एज में जो इन्जॉयमेंट है वो सिर्फ एक है स्टूडेंट लाइफ, और उसमें ही मस्ती करना, और वही मैंने स्किप कर दी। देखो 12th तक स्कूल पढ़े बट स्कूल रेगुलर नहीं थे, और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया अभी तक, इसलिए यार थोड़ा सा डाउन सा फील तो होता ही है। काम यार काम पता क्या मेन रीज़न काम था सारी ये दोनों चीज़ें स्किप करने का, बट मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा सा ना रिलैक्समेंट पीस मस्ती करने के लिए यार थोड़ा सा ज्वाइन करना चाहिए ये सब चीज़ें स्कूल और कॉलेजेस, बट ये है कि यहाँ फिर बाद में आपको वो वाली लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन यार ये है कि पीस भाई कहीं भी नहीं मिलता, सही बताऊँ ना तो पीस कहीं नहीं मिलता यार, ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, जो जिसे जिसके पास वो चीज़ें नहीं है उसके पास भी पीस नहीं है, और जिसे जो चीज़ें चाहिए उसे मिल गई हैं उसके पास भी पीस नहीं है भाई, उसे कुछ ना कुछ रह रेट है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे भी कुछ ना कुछ रह रेट है यार, अलग ही चल रहा है यार मतलब बिल्कुल। वो भाई किस्मत की बात, देखो क्या हुआ अभी मेरे साथ, यह है मेरी एक्टिवा जो खड़ी हुई है पिछले 1 या 2 हफ्तों से बंद, क्योंकि इसकी चाबी नहीं मिल रही थी। अभी मेरी अंश से लड़ाई हो रही थी कि भाई हमारी दोस्ती मतलब अपने ग्रुप के ऊपर होता था कि भाई ग्रुप कब तक चलेगा, कि कॉलेज जाने तक चलेगा, तो मैं ऐसे लड़ रहा था, मैंने भाई दल ले आए वो लोग जो ग्रुप को छोड़ के आए हैं, हमारा ग्रुप तो लास्ट तक चलेगा। उसने आजमाने के लिए पता क्या किया, उसने आजमाने के लिए बोल दिया कि आ जा भी चल रहे कहीं बाहर खाने के लिए, भाई गाड़ी तो भाई गाड़ी का तो पेट्रोल खत्म हो गया था, और सुबह से लेके घूम रहा हूँ मैं, एक्टिवा की चाबी इंसिडेंटली इतने दिन से ढूंढी कहीं मिली नहीं मेरे को, और आज सिर्फ एक बार में उधर की तरफ देख के आया चेक करी एकदम मिल गई भाई चाबी, ये देखो अभी से निकालते हैं बाहर और आराम से खा पी जाते हैं, मतलब मेरे को तो ऐसा कुछ खाना नहीं, उसे खिला के आऊँगा।
बंद हो जा भाई, बंद हो जा, बाद में चलेंगे। सांसों की बंद हो गया भाई।